ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड, और जो इसका रीजन है वो यहाँ पे शो हो रहा है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैज नॉट मेड पेमेंट इन योर पीएफ। फ्रेंड्स, इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आपके यूएन में दो या दो से अधिक पीएफ अकाउंट है, वो आप उन्हें मर्ज कर नहीं पा रहे हैं, पीएफ ट्रांसफर करते समय प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैज नॉट मेड पेमेंट इन योर पीएफ अकाउंट का एरर आ रहा है, वो आप इसका सोल्यूशन जानना चाहते हैं, वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। अपने यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद चलिए यहाँ पे हम व्यू पे जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री को पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी सर्विस हिस्ट्री ओके है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक डेट एग्जैक्ट ठीक है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें ये दिखाया हुआ था कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं था सही और आपको अपडेट कराना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट बिल्कुल ठीक हो चुका है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे 2/6/2018 है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले 1/6/2018 थी, लेकिन अब यहाँ पे करेक्शन हो चुका है सफलतापूर्वक 4/6/2018, यानी कि इसमें कोई भी कमी नहीं है, सब सिक्वेंस है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि सर मैं जब मर्ज कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, तो ये एरर किस लिए है, क्या एरर आ रहा है वो हम देखेंगे। जो ऑप्शन है इसके माध्यम से हम यदि अपने अकाउंट में सेम यूएन में दो या दो से अधिक पीएफ अकाउंट ऐड रहते हैं तो ट्रांसफर करके किसी एक में, यानी कि जो लास्ट वाला आपका कंपनी होता है उसमें ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद ही पैसे निकाल पाते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा आप सामने, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिख जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, यहाँ से प्लस करके देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है प्रेजेंट अकाउंट डिटेल्स वो भी शो हो जाएगा, और सबसे नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड, और जो इसका रीजन है वो यहाँ पे शो हो रहा है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैज नॉट मेड पेमेंट इन योर पीएफ अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब अगर आपके भी अकाउंट में सेम इशू आ रहा है तो सबसे पहले तो आप पासबुक अपना चेक कर लीजिए, जो भी आपका लास्ट का एम्प्लॉयर है, लास्ट का एम्प्लॉयर यहाँ पे दिखा दूँ मैं सर्विस हिस्ट्री में सबसे लास्ट में जो रहेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये जो एम्प्लॉय है उनका रिलेबल प्रोडक्ट के नाम से आपकी जो भी कंपनी है वो उसका पासबुक चेक कर लीजिए। व्यू पे जाएंगे और यहाँ से पासबुक देख लेंगे। पासबुक जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर करना है और ये कैलकुलेशन एंटर करने के बाद लॉगिन हो जाना है। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा आप सामने, यहाँ पे आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी कंपनियां होंगी उनकी अलग अलग मेंबर आईडी होगी, वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। मेंबर आईडी आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको दोबारा से होम पेज पे चले जाएंगे ईपीएफओ के, और यहाँ पे देखिए जो मेंबर आईडी है ये है आपकी, यहाँ पे दिख रहा है 0043, और ये भी यहाँ पे दिख जाएगा जो इस्टेब्लिशमेंट आईडी है, इस्टेब्लिशमेंट का नेम है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट का नेम है लास्ट का, उसका जो मेंबर आईडी है यहाँ पे देख लेते हैं, ये पूरी ये मेंबर आईडी है। अब ये हम सर्च करेंगे पासबुक वाले में 043, यहाँ पे जितनी भी मेंबर आईडी शो हो रही है तो 043 को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी पासबुक नहीं दिखाएगा। चले व्यू पासबुक पे सेलेक्ट करते हैं तो पासबुक नॉट अवेलेबल, यानी कि ये जो एम्प्लॉयर है इसने पैसा ही नहीं जमा किया है आपके अकाउंट में और इसलिए आपका जो पासबुक है वो भी जनरेट नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन तो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन है, और ये जो कंपनी है एम्प्लॉय की वो उसमें जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं 2018 की है, और ये अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 2020 चल रहा है, मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ, करेंट में 2020 चल रहा है, आज मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ और अभी तक यहाँ पे शो हो रहा है इन मेंबर में के पासबुक में कि पासबुक नॉट अवेलेबल, पासबुक दिखाई नहीं रहा है, पासबुक नॉट अवेलेबल, पेमेंट ही नहीं हुआ है। जो ये कंपनी है, जो ये एम्प्लॉयर है, इसने किसी भी कर्मचारी का, जिस कर्मचारी का पैसा नहीं जमा करेगा तो यहाँ पे पासबुक नॉट अवेलेबल ही शो हो रहा है। और यहाँ पे और कंपनियों का आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका पासबुक शो होगा, किसी का भी चेक कर लीजिए, इन्होंने चूंकि पैसा जमा किया है इसलिए इनका पासबुक शो हो रहा है। तो फिर अभी मेन मुद्दे पे हम अपने आते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे ऑनलाइन सर्विसेज पे, ऑनलाइन ये ऑन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट पे दोबारा से जाएंगे और ये सेम एरर देख लेंगे। देखिए ये आपका सेम एरर आ रहा है और सेम ये यूएन नंबर है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल डिटेल आपको सेम ही सेम यूएन नंबर में ही दिखा रहा हूँ, कोई भी एडिटिंग नहीं है,
जिससे कि आपको भी ट्रस्ट हो सके कि क्या रीजन है एक्चुअल में। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यूएन नंबर कोई और दिखाएंगे, प्रॉब्लम कुछ और दिखाएंगे, बताएंगे कुछ और। तो कुछ इस चैनल पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ट्रस्टेबल कंटेंट मिलेंगे आपको। यदि आपको इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं या फिर चैनल पे विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, इसी साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।